ये मुकेश भाई ने भी आपको किस मुश्किल में डाल दिया, बताइए तो मेरे शो में कौन आ रहा है। अरे थोड़ा हिंट, कोई इशारा, कोई टिप, कुछ तो बताना चाहिए। चलिए वो इशारा मैं ही आपको दे देता हूँ। मैं भी महाभारत की कास्ट का एक हिस्सा हूँ और महाभारत का युद्ध मैंने पांडवों की तरफ से लड़ा था। सोचिए। चलिए एक हिंट मैं भी आपको दे देता हूँ। एक टीवी सीरियल में इन्होंने मेरे साथ काम किया था जिनमें ये मेरे बेटे बने थे और हम सरदार थे, यानी कि सिख थे। अब बूझिए। ये इंटरनेट की दुनिया भी बड़ी कमाल की है, जितनी खतरनाक है उतनी मजेदार भी। जरा सोचिए, अगर ये इंटरनेट, ये गूगल, ये सब आज से बहुत साल पहले आया होता तो कुंभ के मेले में कितने बिछड़े बच्चे अपने माँ बाप से मिल चुके होते, कितने बिछड़े भाई बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया होता। वेल, ऐसी फीलिंग मुझे भी कई बार आती है जब मैं उन दोस्तों के बारे में सोचता हूँ जिनके साथ मैं हिंदुस्तान में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करता था, चाहे वो फिल्म का पर्दा हो या टेलीविज़न हो। अब इतने सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद जब मैं यूके में बस चुका हूँ, तो कमाल की बात है कि उन साथियों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और कितने ऐसे हैं जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। वेल, थोड़े दिन पहले फ़ोन आया, मयूर मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश खन्ना। और बस इतना बोलना था कि महाभारत की फिर बहुत सी यादें फिर ताज़ा हो गई। उन्होंने अपने चैनल के बारे में भी बताया, भीष्म इंटरनेशनल, कुछ मुझे लिंक्स भी भेजे और मैंने यूट्यूब के ऊपर उनकी बहुत सी चीज़ों को देखा भी, हैरान भी हुआ। बहुत सी बातें उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उनके ख्यालों के बारे में जो नहीं पता थी वो पता चली। साथ साथ उनकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग भी देखी, आप लोगों की मज़ेदार बातें, सवाल भी कुछ पड़े। और फिर मुकेश भाई का ये सवाल या ये हुक्म कि भाई अपनी यादें मेरे चैनल पे भी तो ताज़ा कर, हमने भी तो बहुत अच्छा वक्त इकट्ठे बिताया, कुछ तो बातें हम भी करें, तो मैंने कहा ज़रूर आ रहा हूँ।